हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कद्दू के भरता के रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। 400 ग्राम मैंने कद्दू लिया है, इसको अच्छे से छील लेंगे। छील करके इसको धो करके छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। अब इसमें इतना पानी डालकर इसको गलाएंगे ताकि मेरा कद्दू गल जाए। थोड़ी सी पानी मैंने डाल दिया है। मैं इसको कुकर में गलाऊंगी ताकि जल्दी से गल जाएगा। और इसको एक दो सीटी लगा लिए हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा कुकर, तो इसको खोल लेंगे इसका ढक्कन और चेक करेंगे कि मेरा कद्दू गला है कि या नहीं गला है। देखिए, दो सीटी लग गया है। जब ठंडा हो गया कुकर, मैंने खोल लिया है। कद्दू को और जो पानी छोड़ा है उसको सुखा लेंगे और इसको अच्छे से गला लेंगे। देखिए, ये गल गया है मेरा कद्दू। अब इसमें आधा छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको इस तरह से कूट लेंगे। एक दो हरी मिर्च डाला है कट करके, और धनिया पत्ती और एक मीडियम साइज के प्याज को काट करके इसमें डाल दिया है। छौंक लगाएंगे। घी मैंने इसमें घी डाला है और इसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा मेरा फ्राई हो जाएगा तो सारे कद्दू की इसमें डाल करके इसको दो तीन मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी भरता बन करके तैयार होता है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी इसका। आप रोटी चपाती दावल चावल वगैरह से खा सकते हैं। जब ये 5 मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसमें हम 250 ग्राम 250 ग्राम इसमें फ्रेश दही ऐड कर करके मिक्स कर लेंगे और इसको अब सर्व करेंगे। यकीन मानिए, बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी भरता बन करके तैयार होता है। अगर आप एक बार भी बनाइएगा तो बार बार बनाने को दिल करेगा।